प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित युगवाणी नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि इनके कविता संग्रह बिंदे हिमालय से ली गई है। देखिए, इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं, भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, उनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरी आंखों का पानी केवल पानी है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारत है, मेरा जीना मरने की मूक कहानी है। देखिए, मीनिंग देख लीजिए। बिलखती मिट्टी अर्थात दुख में तड़पते लोग, मेरी मिट्टी मिट्टी है यानी मेरा शरीर धारण करना निरर्थक है। अकारथ माने व्यर्थ और मूक माने चुप। देखिए, इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं। देखिए, सुमन जी कहते हैं कि मेरा मन केवल प्राकृतिक सुंदरता को निहारने में नहीं लगा रह सकता है। सुमन जी कहते हैं कि मेरा मन केवल प्राकृतिक सुंदरता को निहारने में नहीं लगा रह सकता है। मैं उन व्यक्तियों को अधिक महत्व देता हूँ जो अन्न के अभाव में भूख से व्याकुल हैं, जो अन्न के अभाव में भूख से व्याकुल हैं, उनकी पथराई हुई आंखें आने जाने वाले हर व्यक्ति को अपने पास बुलाती हैं। उनकी पथराई हुई आंखें आने जाने वाले हर व्यक्ति को अपने पास बुलाती हैं। भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, वही आंखें आज मुझे भी अपने पास बुला रही हैं। आगे सुमन जी कहते हैं, भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, ये वे लोग हैं जिनकी चिंता भगवान को भी नहीं है। ये वे लोग हैं जिनकी चिंता भगवान को भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी रचना करने के बाद ईश्वर इन्हें उसी प्रकार भूल गया है। जैसे कि उसने उन्हें बनाया ही नहीं था। जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है, वास्तव में धर्म की ध्वजा अर्थात झंडा इन दीनहीन प्राणियों की हड्डियों पर ही फहराती है। क्योंकि ये वे लोग हैं जो अन्याय और अनीति के विरुद्ध आवाज तक नहीं उठा सकते हैं। आगे देखिए, इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरी आंखों का पानी केवल पानी है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारत है, मेरा जीना मरना की मूक कहानी है। आगे शिवमंगल जी कहते हैं कि यदि मैं इन दीन दुखियों को भुला देता हूँ तो मेरा मानव शरीर धारण करना बेकार है। ऐसी स्थिति में मेरा शरीर मिट्टी का एक पिंड मात्र होगा।
मेरी आंखों का पानी केवल पानी है। यदि मेरे नेत्र इन लोगों के कष्टों को देखकर द्रवित नहीं उठते, यदि मेरे नेत्र इन लोगों के कष्टों को देखकर द्रवित नहीं हो उठते हैं, तो इन नेत्रों का कोई मूल्य नहीं है, तो इन नेत्रों का कोई मूल्य नहीं है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारत है। फिर से देखिए, श्री मंगल श्री सुमन जी कहते हैं, यदि मैं इन दिन दीन प्राणियों को भुला देता हूं तो मेरा मानव शरीर धारण करना बेकार है। ऐसी स्थिति में मेरा शरीर मिट्टी का एक पिंड मात्र होगा। यदि मेरे नेत्र इन लोगों के कष्टों को देखकर द्रवित नहीं हो उठते हैं, तो इन नेत्रों का कोई मूल्य नहीं है। जब तक इन आंखों में करुणा का जल नहीं बहता है, जब तक इन आंखों में करुणा का जल नहीं बहता है, तब तक इनका होना है न होना बराबर ही है। तब तक इनका होना न होना बराबर ही है। यदि मैं इस दलित वर्ग को भुला देता हूं, यदि मैं इस दलित वर्ग को भुला देता हूं, तो मेरा जन्म लेना बेकार है, तो मेरा जन्म लेना बेकार है, और मेरा जीवित रहना भी मरने की एक मौन कथा के समान है, और मेरा जीवित रहना भी मरने की एक मौन कथा के समान ही है। अर्थात मानव को अपने हृदय में मानव के प्रति सहानुभूति, दया, करुणा जैसी मानवीय भावनाओं को रखना ही चाहिए। अर्थात मानव को अपने हृदय में मानव के प्रति सहानुभूति, दया, करुणा जैसी मानवीय भावनाओं को रखना ही चाहिए, अन्यथा उसका जीवन बेकार है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा साहित्यिक हिंदी भाषा है, रस करुण रस है, गुण प्रसाद गुण है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।